नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर छतरपुर जिले के घुआरा से है, जहां पर दो साल तक पीएम आवास के लिए भटकते रहने के बाद भी जब युवक को पीएम आवास नहीं मिला तो वो जन सुनवाई में रस्सी लेकर फांसी का फंदा बनाकर वहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने लगा। घुआरा नगर परिषद के प्रांगण में लगे पेड़ से लटकने का युवक ने प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे युवक को समझाया। दरअसल युवक ने नगर परिषद के कर्मचारियों और अधिकारियों पर पैसे मांगने के आरोप लगाए। क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि दो साल से छुट्टी नहीं कर रही, वो कह रहा बड़े बाबू कौन कह रहा हूँ 15 दिन रुक जा, कौन कह रहा था ऐसे दो साल हो गए। हाँ, कौन कह रहा 2000 रुपया ले, कौन कह रहा देसी मुर्गा ले। देसी मुर्गा के लिए बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, आज जो तुम हाथ में ये रस्सी लिए हो इसी कारण ले, हमारी 6 बहन है। क्यों रस्सी क्यों लिए हुए? इसलिए ले है कि मेरे पक्का मकान नहीं है कोई। मैं ये सोच रहा हूँ मेरी 6 बहन है, 2 भाई हैं, तो पक्का बन जाए तो कुछ मैं कर सकता हूँ, अपने भाई को पढ़ा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं तो आप ये रस्सी लेके क्या उद्देश्य था आज आपका? मेरा उद्देश्य था कि मैं यहीं टंगूंगा अगर मेरी कुटी नहीं निकल रही। अच्छा, तो आपको वहाँ आप अभी अंदर से जैसे नगर परिषद में गए थे, उनने क्या बोला है? उनने क्या बोला है कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ दिन बाद होगा। अच्छा, ऐसा बोला? किसने बोला है ऐसा? उनने अध्यक्ष ने बोला है। अच्छा, और पार्षद भी बोल रहे हैं कि आधार कार्ड बता दो। हाँ। आधार कार्ड पार्ट बस महीने बाद निकल आए। नगर परिषद सीएमओ मिथिलेश गिरी गोस्वामी ने बताया कि उसके पिता के नाम पर आवास स्वीकृत है और वो कल अवकाश पर थे, जिसे पैसे लेने की मांग की है, उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की जाएगी। क्या है कि मैं कल थाने में अवकाश पर था, हॉस्पिटल में था, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे को जो ऑफिस के द्वारा जो जानकारी लगी है, एक व्यक्ति आया था पाल, वो उसके उनके पिताजी के नाम से ऑलरेडी आवास स्वीकृत है। और जो ये देखिए आप, ये 51 नंबर पर, ये 22 नवंबर 2019 को जी स्वीकृत है और कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित सूची में शामिल है। उसको जानकारी नहीं होगी तो, जबकि उसके पिता को जानकारी थी कि इसके नाम ये आवास स्वीकृत है, तो वो आया होगा। हालांकि आज भी यहीं आया है वो, और उसको बता दिया गया है और उसकी राशि भी एक आध दिन में बैंक में। सर जी, फरियादी के द्वारा कहा गया है कि हमसे 5 से 10 हजार रुपए की मांग की गई थी कुटी के नाम पर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इस समय जांच के दौरान यहाँ पे जानकारी के दौरान ऐसी कोई घटना या कोई चीज नहीं पाई गई है, ना ही ऐसी कोई जानकारी प्राप्त हुई है। उनके जिसके नाम आवास है वो स्वयं भी मेरे पास अभी आए थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि किसी ने उनको भ्रमित करके और शराबरा पिला के उनको और वो किया गया होगा। बाकी ऐसे कोई घटना नहीं हुई, तो कार्रवाई कोई घटना।